जहां एक तरफ कोरोना की सेकेंड वेव से देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के डबल म्यूटेंट ने ही वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रखा था कि अब इसका ट्रिपल म्यूटेंट भी सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए गए सैंपल में ट्रिपल म्यूटेंट वायरस मिला है। इसे B.1.618 नाम दिया गया है। भारत में इससे पहले डबल म्यूटेशन वाला वेरिएंट मिला था, यानी जिसमें कोरोना के दो अलग स्ट्रेन मिल गए हो। अब मिले ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट में कोरोना के 3 नए स्ट्रेन मिल गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस में हो रहे बदलाव की वजह से कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ट्रिपल म्यूटेशन वाला वायरस कितना घातक है और कितनी तेजी से फैलता है, इसका पता लगाने के लिए रिसर्च रिपोर्ट का इंतजार है। एक्सपर्ट्स के अनुसार B.1.618 वेरिएंट में एक बदलाव वैसा ही है जैसा ब्राजील और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट में देखने को मिला था। इस बदलाव को E484K कहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रिसर्च के अनुसार इस बदलाव से वायरस वैक्सीन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा हुई एंटीबॉडीज का मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। नए वेरिएंट की जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से पहले भारत में मिले एक और वेरिएंट के बड़े पैमाने पर प्रसार की बात पता चली। B.1.617 को डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है। CSIR IGIB के रिसर्चर डॉक्टर विनोद सकारिया के ट्विटर के मुताबिक E484K वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बचने में महारत हासिल रखता है। इसके जेनेटिक सेट्स दुनिया के कई कोरोना वायरस वेरियंट्स में मिल रहे हैं। E484K जेनेटिक सेट्स वाले नए म्यूटेंट कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर में इस संबंध में और भी कई जानकारियां दी हैं। वही आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार 3 लाख के पार केस आए हैं। बुधवार को देश में आए कोरोना मरीजों की संख्या ने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 3,15,478 मामले सामने आए हैं। इस बार आई कोरोना मरीजों की संख्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को 3,07,581 केस सामने आए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।